योजना से 23 मार्च 1968 मीठी मीठी रूहानी बच्चों आत्माभिमानी भव देह का अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझो। ये भी जानते हो परमात्मा एक है। आत्माएं अनेक हैं। ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। क्यों? परम माने परे ते परे। ब्रह्मा को परमात्मा क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि ब्रह्मा से भी परे की स्टेज क्या है? ब्रह्मा से भी परे की स्टेज है विष्णु। ब्रह्मा को क्या बनना है? विष्णु बनना है। लेकिन विष्णु को भी विष्णु बनाने वाला कौन है? उसे कहते हैं परमपिता परमात्मा। वो परमपिता भी एक है और परम पार्ट बजाने वाली आत्मा भी एक ही है। इसलिए ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहा जाता। ब्रह्मा की तो 84 जन्मों की कहानी तुम जानते हो। और ये है इनका अंतिम जन्म, तमो प्रधान जन्म है। फिर सतो बजा प्रधान जन्म कब मिलेगा? सत्युग में। और मुझे आना भी उसमें होता है जो सबसे जास्ती तमो प्रधान होता है। सबसे जास्ती तमो प्रधान कब होते? कलयुग का अंत कब होता है? घोषणा तो कर दी। कब होता है? आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। वो 10 वर्ष कब पूरे होते हैं? 76 में पूरे होते हैं। इससे साबित होता है कि 76 ही तमो प्रधानता का अंत भी है और सतो प्रधानता की शुरुआत भी है। और ब्रह्मा ने शरीर कब छोड़ा? 69 में शरीर 18 जनवरी को छोड़ा। तो उस समय अति तम प्रधानता थी या 76 में तम प्रधानता अति की थी? 76 कहेंगे। 76 में अति की तम प्रधानता। तो मैं उनके शरीर में आता हूं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। पूरे माने एक दिन भी कम नहीं। इनको ही बताता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम किसको कहा जाता है? इनको ही बताता हूं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कैसे बताता हूं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते? किसको बताता हूं? दादा लिखराज ब्रह्मा को बताता हूं। उनके तन में तो प्रवेश किया है, तुम तो नहीं कह सकते।
जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको तुम कह सकते हैं। वो मुकर्रर रथ सन्मुख हुआ क्या है? नहीं नहीं, फिर किसको कहा? तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, है? बुद्धि से सम्मुख, हाँ, इमर्ज करते हैं ब्रह्मा के तन में आकर जिस आत्मा से बात करते हैं उसको इमर्ज करते हैं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूं। पहले पहले तुम यह थे, क्या पहले पहले तुम यह थे? यह मन यह लक्ष्मी नारायण थे। कौन से लक्ष्मी नारायण? जो नर से डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। अब एक को तो नहीं कहेंगे ना, क्योंकि रिजल्ट निकलता है तो कोई प्लस में भी आ जाता है। ये तो डायनेस्टी है, डायनेस्टी अधूरी स्थापन होती है। यह 16 कला संपूर्ण डायनेस्टी स्थापन होती है, 16 कला संपूर्ण डायनेस्टी स्थापन होती है। तो जो स्थापन करने वाला निमित्त है वो भी 16 कला संपूर्ण ही होना चाहिए या कम होना चाहिए? वो स्वयं भी होना चाहिए और जो स्थापना करे वो भी 16 कला संपूर्ण होनी चाहिए। तो एक को तो नहीं कहेंगे क्या? ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु में एक है या दो है? अरे नारायण बनने वाली 16 कला संपूर्ण आत्मा विष्णु स्वरूप में जिनके संस्कार मिलकर के एक होते हैं वो दो आत्माएं हैं या एक है? दो आत्माएं हैं। तो ये डायनेस्टी है, अभी यह बनने के लिए फिर से पुरुषार्थ करना पड़े, फिर से मन है 5000 वर्ष पहले पुरुषार्थ किया था, अभी फिर से करना पड़े, ये मतलब? हाँ, ये आज से भी पुरुषार्थ किया था परंतु फेल हो गए। ऐसे नहीं कि राम सीता ही फेल हो गए, आगे पीछे सब फेल होते हैं। सत्युग में जन्म लेने वाली कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो त्रेता में आकर चंद्रवंशी न बनती हो। दादा लेखराज ब्रह्मा भी फेल हो गए या पास हो गए, क्या कहेंगे? फेल हो गए। तो फिर से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इतने शास्त्र आदि जो भी पढ़े हुए हो वो तो सभी है भक्ति मार्ग के। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। पुनर्जन्म तो पहले जन्म से ही शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं मैं जो तुमको सुनाता हूं वो राइट है, बाकी जो कुछ सुना है वो सब रॉन्ग है। ऊंचते ऊंचे एक जो सुनाता है वो राइट या सुनाता है, और बाद में एक मुंह की बात दूसरे मुंह से सुनाई जाती है तो अंतर पड़ जाता है, कुछ न कुछ मिक्सैरिटी
ही जाती है। तो बाकी सब राम हो जाते हैं, जैसे भरे हुए दूध के गड़े में एक बूंद विष का डाल दिया जाए तो सारा ही विष हो जाता है। तो सत्य बोलने वाला एक है, उस एक की कथा गाई जाती है। कौन सी? सत्यनारायण की कथा। मुझे कहते ही है ट्रुथ, इसको गॉड इज ट्रुथ। ये तो अंग्रेज लोग कहते हैं, हिंदू लोग क्या कहते हैं? सत्यम शिवम सुंदरम, वो ही सत्य धर्म की स्थापना करेंगे। जो एक सत्य है, सत्य ही था और सत्य ही सदैव रहेगा। जो सत्य है वो ही शिव है, कल्याणकारी है, तो सदा ही कल्याणकारी है, इसलिए गाया जाता है सदा शिव। जरूर कल्याणकारी दुनिया की स्थापना करेंगे, जिसमें अकल्याण का नाम निशान नहीं हो। कहते भी हैं सच तो बिठो नच, किसे कहते हैं? बच्चों से कहते हैं, बच्चे सच्चे बनेंगे तो तुम खुशी में नाचते रहेंगे, डांस करते रहेंगे। तो डांस करो, खुशी में डांस होती है ना, परंतु ये है ज्ञान की डांस। जितना जितना अपना दिल खोल करके बाप के सामने रखेंगे, अपना सच्चा पोता मिल देंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? अंदर अंदर ज्ञान की डांस चलती रहेगी। वो लोग फिर किसको दिखाते हैं डांस करते हुए? हैं? वो भक्त लोगों ने डांस करते हुए किसको दिखाई दिया? कृष्ण को दिखाई दिया। मुरली बजाना, रास करना, कितना दिखाते हैं। है ये ज्ञान की मुरली, संस्कारों की डांस में जाते हैं। वो सच्चखंड के मालिक थे, इन लक्ष्मी नारायण को बनाने वाला कौन है? सच्चखंड बनाने वाला इनको भी बनाता है। ये दुनिया तो है झूठ खंड। झूठे अनेकों हैं, अनेकों के द्वारा ये झूठ दुनिया बनती है। उनका मुखिया है रावण, रावण को 10 सिर दिखाते हैं। जरूर 10 प्रकार की धारणाएं फैलाई है। भारत सच्चखंड था जबकि इनका राज्य था, और कोई खंड नहीं था। जब सच्चखंड होता है तो जो भी झूठ खंड है वो सब समंदर के गर्त में समाये जाते हैं।
मनुष्य बेचारे नहीं जानते हैं कि सच्चखंड कहां होता है। सच्चखंड को स्वर्ग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ग? क्योंकि सब स्वय स्थिति में जाने वाले हैं, स्वय स्थिति में रहने वाले हैं। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ क्या? क्यों, क्या कोई स्वर्गवासी हो जाता है? है नरक की दुनिया, तो कैसे स्वर्गवासी हो गया? कहां की यादगार? इसी संगम युग की यादगार है। जो जीते जी देह अभिमान से मरते हैं, बाप के सामने अपने देह अभिमान को, देह अभिमान के वस्त्र को हटाए देते हैं, नंगे हो जाते हैं। आत्मा नंगी है ना, इस दुनिया में आती है तो पांच तत्वों का कपड़ा धारण करती है। देह अभिमान का हो, देह अभिमानी की मिट्टी का हो, तो स्वर्गवासी हुआ माना स्वस्थिति का वासी हुआ, देहभान से दूर हो गया। तो क्या शरीर रहते रहते भी ऐसी स्टेज बन सकती है कि शरीर छोड़ने के बाद ही बनेगी? शरीर रहते भी ऐसी स्टेज बन सकती है कि देह का भान न रहे, पक्की स्वय स्थिति हो जाए? तो वो भक्त लोग तो ऐसे ही कहते रहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कितने जंगली बेवकूफ हैं, उल्लू पाजी हैं। बाप समझाते हैं, तुम उल्लू बन करके लटक पड़े हो, तुम्हारा बुद्धि योग पांच तत्वों की धरणी की ओर ऊपर चिपक पड़ा है। बुद्धि ऊपर, पांच तत्वों से परे की ओर जाती ही नहीं। परम धाम की ओर, जो परे ते परे धाम है, वहां बुद्धि नहीं जाती। काहे से परे है? पांच तत्वों की पहुंचते परे है। वहां परम धाम में तुरिया तत्व है, ये पांच तत्व वहां नहीं होते। तो क्या कहेंगे? जिनकी बुद्धि पांच तत्वों में अटी पड़ी है, उल्लू कहेंगे या अल्लाह कहेंगे? उल्लू ही कहेंगे, माया के अधीन हो पड़े। अभी तुमको बाप आकर के सुल्टा बनाते हैं क्या? जो बुद्धि नीचे पांच तत्वों की ओर लगी पड़ी है, देह और देह के संबंधों में बुद्धि अटी पड़ी है, उस बुद्धि को पांच तत्वों से निकाल कर सीधा परम धाम में बुद्धि जानी योग्य बनाते हैं। भक्ति होती ही है नीचे गिरने के लिए। भक्ति सिखाने वाले अनेक गुरु हैं और सच्चा ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। एक ऊपर उठाते हैं और अनेक नीचे गिराते हैं। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग का कोई भी अक्षर नहीं सुनो, हियर नो इविल, सबसे बड़ा भक्ति मार्ग का इविल अक्षर कौन सा है? है?
जोर से बोलो, सर्वव्यापी। क्या उन तथाकथित तो ब्राह्मणों से पूछो, सर्वव्यापी है या एक व्यापी है, वो क्या कहेंगे? सर्वव्यापी कहेंगे? सर्वव्यापी कहां कहते हैं? और तभी तो भगवान एक व्यापी है। फिर उनसे पूछो, एक व्यापी है तो वो एक कहां है? अनेक में तो व्यापक नहीं है, सर्व में व्यापक नहीं है, तो वो एक कहां है, सो तो बताओ। तो कुछ भी बता ही नहीं सकेंगे, वायरे हो जाएंगे। या तो कहेंगे ब्रह्मा में व्यापक था, फिर ब्रह्मा कहां गया? कहेंगे सूक्ष्म वतनवासी। अरे सूक्ष्म वतनवासी को याद करेंगे क्या? बाप तो कहते हैं मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता। क्यों क्यों नहीं आता हूं? क्योंकि सूक्ष्म वतनवासी को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ते पवित्र होते हैं या अपवित्र होते हैं? है? पवित्र होते हैं। और बाप तो इसमें आते हैं, पतित में आकर के पतित को पावन बनाने आते हैं। उनका विरुद्ध ही है पतितों को पावन बनाना। ब्रह्मा में आते हैं, दादा लेखराज में आए, लेकिन पतितों को पावन तो नहीं बनाए। फिर क्या किया? आकर के सिर्फ सुनाया। क्या ज्ञान सुनाया? सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाए, लेकिन समझ में तो किसी को आया ही नहीं। इसलिए मुरली में बोला कि अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अमृत मंथन करने से निकलता है, और जिसमें आकर के सुनाया वो भी बच्चा बुद्धि, और जिन्होंने बैठ करके सुना वो भी बच्चा बुद्धि। या तो कहें जानवर बुद्धि, समझा तो किसी ने भी नहीं कि भगवान बाप का रूप स्वरूप क्या होता है। वो कौन है जो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है? तो तुम्हारे सामने अगर कोई कहे सर्वव्यापी है तो तुम कान बंद कर दो। तुम एक व्यापी की बात बताते हो तो वो कान बंद कर लेते हैं, सुनते ही नहीं। तो तुम क्या करो? वो कहे दीदी दादी दादा में परमात्मा बाप कार्य कर रहा है, गुलजार दादी में बाप आते हैं, ब्रह्मा में भी आते थे, हमारी दादियां ही त्रिमूर्ति का पाठ बजाती हैं। तो तुम कान बंद कर लो। मेरे सिवाय और कोई की बात मत सुनो। क्यों? कोई अच्छी बात बताता हो तो सुनने में कोई हर्जा है क्या? अच्छी बात नहीं है। हाँ? अच्छी बात होती नहीं। अच्छी बात सच्ची को ही अच्छी बात कहा जाता है, और 100% सच्चा बताने वाला एक ही है। अनेकों से ज्ञान सुना तो विभिचारी ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो कोई की बात मत सुनो। और भक्ति का फल देने वाला भी एक ही भगवान है।
भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी, सत्य बाप की जानकारी, सृष्टि के आदि मध्य अंत की जानकारी। इस दुनिया में तो सभी भक्ति मार्ग में, भक्ति माने अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कोई के पास ज्ञान मार्ग है ही नहीं। जो भी शास्त्र आगे हैं सब भक्ति के हैं। भजन आदि करना ये तो सब भक्ति ही तो है ना। ज्ञान में कोई भी भजन कीर्तन आदि नहीं होता। ज्ञान में भजन कीर्तन गीत आदि नहीं होता। आवाज ही नहीं होता है? अच्छा, अगर आवाज आदि करते हैं किसी प्रकार की, मान लो गीत बजाते हैं याद में बैठते समय, या ट्यून भी बजाते हैं, तो उसे ज्ञान कहेंगे या अज्ञान कहेंगे? क्यों क्यों? भक्ति मार्ग में आवाज होती है, ज्ञान मार्ग में आवाज की दरकार नहीं। यहां तो बुद्धियों को स्थिर करना है, मन को कंट्रोल करना है। इसमें आवाज आदि करने की दरकार ही नहीं। तुम जानते हो कि हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? वाणी से परे जाना, वाण प्रस्थ अवस्था में जाना है। तो जाना है वाणी से परे, और प्रैक्टिकल अभ्यास कर रहे हैं वाणी में रह करके, और दूसरों को वाणी में रहा करके पुरुषार्थ करने कराने का, तो सिद्धि मिलेगी? नहीं मिल सकती। बाप कहते मीठे बच्चों, कभी मुख से हे भगवान नहीं कहना। और भक्त लोग तो कहेंगे ये तो बड़ा नास्तिक है। तो मुख से भगवान हे भगवान कहने से क्या भगवान के पास आवाज पहुंच जाती है? मस्जिद में मुल्ला जी कितनी जोर से बम लगाते हैं, लाउड स्पीकर लगे लगाते हैं, आवाज पहुंचती है क्या? अरे ये पांच तत्वों की आवाज, जो सदैव पांच तत्वों से परे रहने वाला है, इस दुनिया में आता है तो भी ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला है, वाणी से परे की स्टेज में रहने वाला है। उसके पास वाणी की आवाज कैसे पहुंचेगी? कौन सी आवाज पहुंचेगी? बाप कहते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझ है, मुझे याद करो तो तुम्हारी आवाज मेरे पास तक पहुंचेगी। इसका मतलब कीर्तन करते हैं, आवाज करते हैं, हे भगवान हे प्रभु चिल्लाते हैं, वो ज्ञान की बात नहीं है। ये हे भगवान आदि कहना ये भी ईविल हो गया। जो हे भगवान कह के पुकारते हैं वो कैसी सोल हो गई? ईविल सोल। क्यों? इसमें दुख देने की क्या बात है? अरे हे भगवान कह के बुलाया तो इसमें दुख देने की क्या बात हुई? दुख देने की ये बात हुई जब कहा जाता है हे भगवान, इसका मतलब इसके सामने है कहीं,
इसकी आवाज भगवान के पास पहुंच रही है तो सर्वव्यापी हो गया ना। एक यहाँ चिल्लाएगा, एक दूसरे गांव में चिल्लाएगा हे भगवान, एक तीसरे गांव में चिल्लाएगा, एक अमेरिका में चिल्लाएगा, एक अफ्रीका में चिल्लाएगा, तो हर एक की आवाज भगवान के पास पहुंचती है। क्या भगवान सर्वव्यापी है? अरे सर्वव्यापी होगा तो सबको याद कैसे करेंगे? एक को याद करना या अनेकों को याद करना? एक को याद करने से सदगति होगी और अनेकों तरफ बुद्धि भटकाने से बुद्धि पतित बन जाएगी। कलयुग के अंत तक ये भक्ति मार्ग चलता है। अभी तो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। क्या कैसा संगम युग? पुरुषोत्तम। कलयुग अंत और सतयुग आदि दोनों का संगम अर्थात मेल, और ऐसा मेल होता है कि जो पुरुषों में उत्तम से उत्तम है, जिनकी मालाएं गाई जाती हैं सभी धर्मों में, धर्म ऐसा है जिसमें माला न घुमाते हो, सभी धर्मों में माला घुमाते हैं, वो माला के मणके किस बात की यादगार है? उनको स्मरण करते हैं, याद करते हैं, जरूर उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया है, कोई अच्छा काम करके गए हैं तो उनको याद करते हैं। तो पुरुषों में उत्तम ते उत्तम आत्माएं हैं और हर धर्म में ऐसी उत्तम आत्माएं हुई है, वो अब प्रत्यक्ष होती है। अब संगम युग में पहले पहले कौन प्रत्यक्ष होता है? जो भी शरीर रूपी पुरी में सोने वाली आराम करने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि पार्ट बजाने वाली जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, वो पुरुषोत्तम नारायण पहले प्रत्यक्ष होता है। कब प्रत्यक्ष होता है? जबकि बाप आकर के ज्ञान सुनाकर उत्तम बनाते हैं। भक्ति से मध्यम कनिष्ठ बनते हैं, बाप उत्तम बनाते हैं। अभी भक्ति का अंत होने वाला है, इसलिए मामा मनुष्य मत मत सुनो, एक ही ईश्वर की मत पर चलो। जो ईश्वर कहे वो राइट, जो मनुष्य कहे वो रंग। अब कहेगा कौन? जानवर कहेगा क्या? फिर कहने वाला मनुष्य ही होगा या जानवर होगा? जब मनुष्य ही कहे वो ही रंग हो गया, तो जानवर कहेगा तो वो तो बिल्कुल ही रंग, उसका कोई अर्थ ही नहीं। भगवान कैसे कहेगा? भगवान निराकार को कहा जाता है, निराकार क्या बिंदी में से आवाज आएगी? फिर कैसे कहा जाए कौन भगवान और कौन मनुष्य है? अरे परिभाषा तो बता दी, भगवान निराकार को कहा जाता है और मनुष्य साकार को कहा जाता है। निराकार का मतलब ये नहीं कि बिंदी, ऐसे तो सभी आत्माएं शरीर छोड़कर के क्या बन जाती हैं? बिंदी बन जाती, तो सभी भगवान बन जाती है क्या? नहीं, जो शरीर में रहते रहते इस सारी शक्ति के बीच में निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष हो जाए, निराकार माना निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी,
तो बाप खुद मनुष्य तन में आकर समझाते हैं क्या कि मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, जो मन चलाता है मननाथ मनुष्य कहा जाता है, संकल्प विकल्प में रमण करता है वो मनुष्य कहा जाता है। और भगवान को संकल्प विकल्प चलाने की दरकार है? भगवान को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है? नहीं। हाँ, मनुष्य तन में आता है परंतु मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। फिर कब कहा जाता है? अरे ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल प्रवेश किया, सुनाया, सुनने वालों ने सुना, भगवान तो नहीं कहा जा सकता। भगवान कहा गया होता तो ब्रह्मा के मंदिर बनते, मूर्तियां बनती, पूजा होती, लेकिन न मूर्तियां बनती हैं, न मंदिर बनते हैं, न पूजा होती है, अर्थात वो भगवान का स्वरूप नहीं। विष्णु को भी मध्यम स्टेज में दिखाते हैं, ऊंचे से ऊंचे तबके में नहीं दिखाते, और शंकर को ऊंचे से ऊंचे तबके में दिखाते भी हैं, और फिर कहते भी हैं, गायन भी करते हैं, देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, और उनसे भी ऊंचा महादेव, माने उससे ऊंचा और कोई देवता होता नहीं है। 33 करोड़ देवताओं में 3 देवताएं बड़े, और उन तीनों में शंकर को महादेव कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान आकर के मनुष्य को क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं। तो देवता बनने वालों में जिसने पहले पहले श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, अब्बल नंबर लिया, तो उसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया जाता है। कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों लेते हैं? बनाने वाला बड़ा या बनने वाला बड़ा? बनाने वाला बाप, और बनने वाला रचना हो जाता है। तो परमपिता परमात्मा शिव आकर के कोई मनुष्य तन में प्रवेश करके उसको नर से नारायण बनाते। ओ नारायण सत्युग के नहीं, संगम, वो संगम युग का नारायण बनाते हैं जो भगवान से पद पाकर भगवान भगवती बनते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही बनावेगा। भगवान भगवान है तो क्या बनावेगा? भगवान भगवती बना। तो जो भगवान भगवती कहे जाते हैं उनके लिए गायन है महादेव महादेवी। वो महादेव महादेवी फिर देवताओं की रचना करते हैं। डॉक्टरों का स्कूल होगा, पढ़ाने वाले कौन होंगे? डॉक्टर ही तो पढ़ाएंगे। वकालत की पढ़ाई पढ़ाने वाले वकील ही होने चाहिए। तो देवताओं को देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाने वाले कौन होने चाहिए? जरूर देवता होने चाहिए। तो सतयुग में जो भी डायनेस्टी होगी आदि में पहले जन्म की, उनको पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त बनने वाले कौन हुए? जरूर भगवान भगवती को कहेंगे। और भगवान भगवती को पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन हुआ? जरूर कहेंगे आत्माओं का बाप शिव बाप। तो बोला बाप खुद मनुष्य तन में आकर समझाते हैं। ये बाइबल, ये कुरान, ये गीता, योग वासिष्ठ, महाभारत आदि सब दुर्गति में ले जाने वाले। क्यों? क्योंकि ये सब शास्त्र मनुष्यों के बनाए हुए हैं।
जिनकी बुद्धि मन बुद्धि बंदरों की तरह चलायमान रहती है, 10-15-20 सेकंड भी मन एक जगह स्थिर एकाग्र नहीं होता है, इसलिए ये सात दुर्गति में ले जाने वाले। तुम भी कितने बेसमझ बन गए, समझदार थे फिर बेसमझ बने हो, कब थे समझदार थे? सत्युग त्रेता में समझदार नहीं थे, कहां थे समझदार? जब बाप ने समझदार बनाया तब समझदार थे, फिर जो भी डायनेस्टी शुरू हुई सत्युग में तो क्या बन गए? देवताएं भी बुद्धू बन गए। तो समझदार बनाने वाला एक ही है, ऐसे नहीं कहेंगे कि लक्ष्मी नारायण ने समझदार बनाया। देवता तो बनाते हैं लेकिन समझदार समझदार नहीं बनाते, और भगवान क्या बनाते हैं? तुमको समझदार बनाते हैं, तुम गोल्डन एज में थे, अभी आयरन एज में हो, वहां गोल्डन एज का जो होगा उनको ये बातें अच्छी लगेंगी। क्या जो गोल्डन एज में जाने वाला नहीं होगा उनको ये बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी, यहां वाले को मीठी लगेंगी। ये बाबा खुद गीता आदि पढ़ते थे, जब देखा कि बाप मिल गया तो गीता फेंक दी, समझा ये तो ईविल चीजें हैं। और गुरु भी देखो कितने ढेर किए, फिर बाप ने कहा ये सब भक्ति मार्ग के हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है, बाकी सभी भक्ति है, एक में भी ज्ञान नहीं है। जब तक ज्ञान मेरे से न सुने तब तक ज्ञानी कहां से आ गए? सभी भक्त मतलब ज्ञानी कब कहा जाए? संदेश ले ले, साप्ताहिक कोर्स ले ले तो ज्ञानी नहीं। 7 दिन का कोर्स लेने के बाद किसी को अंदर से निश्चय बैठ जाए, तीसरी आंख से देख लिया कि बाप आया हुआ है, ज्ञान का नेत्र खुल गया तो ज्ञानी नहीं हुआ है? अरे भगवान बाप को देखने के लिए तीसरी आंख चाहिए या इन आंखों से देखा जाता है? तीसरी आंख चाहिए। तो 7 दिन का कोर्स लिया, बेसिक या एडवांस कोर्स भी ले लिया, भगवान के स्वरूप को पहचान लिया तो ज्ञानी नहीं हुआ है? क्यों? अरे तीसरी आंख से देख लिया ना। जब तक प्रत्यक्ष ना हो, प्रत्यक्ष माना प्रैक्टिकल प्रूफ मिलना चाहिए, तो जब तक मेरे सन्मुख आकर ज्ञान न सुने तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। मान लो कोई कहे अरे हमको तो 2 साल से निश्चय हुआ पड़ा, पक्का निश्चय हो गया, हमने जान लिया कि भगवान बाप आया हुआ है, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, तो बाप क्या कहते हैं? पहचान लिया, लेकिन अब तक 2 साल से बाप से आकर मिले नहीं तो उनको निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि की निशानी है कि निश्चय बुद्धि हुआ और 1 सेकंड भी ठहर
ठहर नहीं सके बिना बाप से मिले। ये भक्ति के शास्त्र सुनने से तो और ही दुर्गति होती है, इसलिए बाप कहते हैं माम एकम सुनो। श्रीमती ही श्रेष्ठ है, बाकी सभी मनुष्य मत है, आसुरी मत है, ईश्वर की मत ये है और वो है रावण की मत, ये है भगवान की मत, भगवान वाच। तुम कितने भाग्यशाली महान हो, इसलिए तुम्हारा जन्म भी हीरे जैसा अभी है। नवरत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो हीरा कहां रखते हैं, बीच में हीरा रखते हैं, माला में भी ऊपर में फूल होता है, फिर मेरुदंड। उनका नाम भी है आदम बीवी, किसका मेरुदंड। तुम कहेंगे मम्मा बाबू, कहेंगे मम्मा बाबू गे क्यों लगा दिया है? तुम कहेंगे भविष्य के लिए क्यों लगा दिया मम्मा बाबा, क्योंकि पहले ही बता दिया वास्तव में ये तुम्हारे मम्मा बाबा नहीं है, कौन ब्रह्मा और सरस्वती। आदि देव और आदि देवी कौन, जिनको दूसरे धर्म के लोग कहते हैं आदम बीवी या एडम हवा, उनको देव धर्म देव वो देवता धर्म सनातन धर्म में क्या कहते हैं, आदि देव और आदि देवी। ब्रह्मा को देवता ही नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता है या मनुष्य है, क्या है ब्रह्मा को तो देवता नहीं कहेंगे। ये संगम युग का टाइटल है क्या, आदिदेव आदिदेवी, माने सतयुग को आदि नहीं कहेंगे। कब होता है आदि सृष्टि का, संगम में ही नई सृष्टि का आदि हो जाता है, संगम युग ही सर्वोत्तम युग है। जब कि इस राज्य की स्थापना हो रही है, किस राज्य की लक्ष्मी नारायण के राज्य की स्थापना हो रही है, तुम बच्चों को सर्वों संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां बनना है। यहां बनना है का मतलब यहां मानी कहां, इसी संगम युग में कोई टाइम है जबकि पुरुषोत्तम की प्रत्यक्षता हो जाती है। जिस समय पुरुषोत्तम की प्रत्यक्षता होती है उस समय क्या कहेंगे उस टाइम को, वो पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, पुरुषोत्तम वर्ष भी वही है। और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी वही है जिसके लिए गाया हुआ है ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है। पुरानी दुनिया को नई बनाने की बात बाप बताते हैं, बाप आते ही हैं पुरानी को नई बनाने, तो पुरानी दुनिया बदलनी तो जरूर पड़ेगी ना। इस दुनिया का डेकोरेशन कितना करते हैं, कितना महल माड़ियां अटारियां सजाते हैं,
परंतु तुम बच्चों के सिवाय इस पंप एंड शो को कोई जान नहीं सकता। कह देते हैं दुखी दुनिया लाखों वर्ष की है, अब है तो ये सब झूठी बातें। लाखों वर्ष की दुनिया होती तो हिस्ट्री कम से कम 1 लाख वर्ष की तो मिलती। दुनिया लाखों वर्ष की है तो हिस्ट्री कितनी मिलनी चाहिए? 1 लाख वर्ष की तो हिस्ट्री मिलनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री कितनी मिलती है? सिर्फ 2-2.5 हजार वर्ष की हिस्ट्री के प्रूफ मिलते हैं, इससे जास्ती प्रूफ मिलते ही नहीं। तो सब झूठी बातें, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। सच तो जैसे कि है ही नहीं। इस 368 की वाणी का दूसरा पेज, ये झूठ खंड है। फिर इस झूठ खंड को सच खंड बनाना, ये तो एक सत्य बाप का ही काम है। जो खुद झूठे हैं वो क्या बनावेंगे? झूठ ही बनावेंगे। वकील वकीलों को पढ़ावेगा, वकीलों की दुनिया बनावेगा, डॉक्टर डॉक्टरों की दुनिया बनावेगा, साइंसदान होगा तो क्या बनावेगा? साइंस की दुनिया तैयार करेगा। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के जो भी वेद शास्त्र है आप इन सब को भूल जाओ। ये तुम्हारा बेहद का वैराग्य है क्या? वेद शास्त्रों को भूलना ये तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। वो तो सिर्फ घरबार छोड़ करके इस दुनिया में ही जंगल में चले जाते हैं। ये भी उन्हों का ड्रामा में नूंद है। इसमें क्यों क्या कैसे का सवाल नहीं उठता। उससे पूछ नहीं सकते कि तुम घर बार क्यों छोड़ते हो। नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। उनकी आत्मा में ऐसा पार्ट नुदा हुआ है जो बाप समझाते हैं कि दुनिया में ऐसे ऐसे होता है, ये तुम बच्चों को समझाते हैं। उन सन्यासियों का तो धर्म ही बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? उनकी धारणा अलग कैसे? उनकी धारणा है दूरबाज खुशबाज की, दूर रहो और संसार को दिखाओ कि हमने 5 विकारों को जीत लिया, हम इंद्रिय जीत बन गए। लेकिन ये कोई सच्चा संन्यास नहीं है। बाप तो तुम्हें बेहद का संन्यास सिखाते, बेहद का गृहस्थी बनाते हैं। और जो भी धर्म वाले हैं वो कोई भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? इसलिए स्वर्ग में नहीं आ सकते कि जो भी विधर्मी धर्म पिताए हैं वो सब सन्यासी। क्या जो असली बाप का परिवार है, बाप ने जो दुनिया बनाई, जो घरग्रस्त बनाया, उस घरग्रस्त के स्वरूप को वो नहीं पहचान पाते, छोड़ के चले जाते। ये छोड़ के चले जाने की सूटी कहां होती है? यही ब्राह्मणों की दुनिया में, संगम युग की दुनिया में शूटिंग करते हैं। वो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते। बुद्ध डायनेस्टी, क्रिश्चियन डायनेस्टी, ये कोई भी स्वर्ग में नहीं आते। वो तो आते ही पीछे हैं। कब? जब द्वैतवादी युग शुरू होता है।
जहां अद्वैत है, दूसरा धर्म, दूसरा राज्य, दूसरी मत, दूसरा कुल होता ही नहीं, एक ही एक होता है, वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। पहले पहले है ही डीटी डिनेस्टी, बाद में इस्लामी बौद्धि आदि आते हैं, वो आते हैं सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। वो कोई राजधानी स्थापन करने के लिए नहीं आते, राज्य की स्थापना करके नहीं जाते हैं। 200-400 वर्ष के बाद जब उनकी बहुत जनसंख्या हो जाए तब उनकी राजाई शुरू होती है। और बाप तो धर्म की स्थापना करने के साथ साथ राजधानी भी स्थापन करके जाते हैं। बाप पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर यह डीटी डायनेस्टी स्थापन करते हैं। अभी तुम बच्चों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे, तुम बच्चों की राजाई नहीं होती है। क्यों? तुम बच्चे हो ही ब्राह्मण, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं होती है, क्योंकि जो ब्राह्मणों का बाप है वो स्वयं क्या बन करके आया हुआ है, वो खुद ही कहता है बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो जब बाप ही ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया हुआ है तो बच्चों का क्या फर्ज है? बच्चे भी सेवाधारी बनकर के रहे, दूसरों के ऊपर कंट्रोल करने का भाव भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए। अगर ये भाव बुद्धि में आता है कि ये हमारे कंट्रोल में चले तो फिर वहां क्या बनेगा? वहां दास दासी बन जाएगी। तो एक ही बाप है जो डायनेस्टी स्थापन करते हैं। समझो बुद्ध आया, उनकी आत्मा भी कोई नहीं आवेगी, कोई में आवेगी मन, कोई देवता वर्ण की आत्मा होगी उसमें आकर प्रवेश करेगी, फिर आकर ही ना आते तो गर्भ में ही पहले जन्म में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रवेश करेंगे उसके संग का रंग लगेगा, फिर अंजाम क्या होगा? संग का रंग लगने से पाप पुण्य बन जाता है, पाप पुण्य बनना है तो गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। छोटा बच्चा था सो बड़ा हुआ, परंतु शिव बाबा तो जिसमें प्रवेश करता है उसके संग का रंग शिव बाबा को तो लगता नहीं कि लगता है? शिव बाबा को तो नहीं लगता, इसलिए शिव बाबा तो जन्म मरण के चक्र में गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है। शिव बाबा तो छोटा बड़ा नहीं बनता है, न वो गर्भ से जन्म लेते हैं, बुद्ध की आत्मा ने प्रवेश किया, पहले तो बुद्ध धर्म होता नहीं है। जरूर यहां इस सृष्टि के ही कोई में प्रवेश करेंगे, कोई भी माने किसमें? अरे उसी में प्रवेश करेंगे जो पूर्व कल्प में भी बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ था, इस कल्प में भी बौद्ध धर्म में ही कन्वर्ट हुआ और उसमें महात्मा बुद्ध ने प्रवेश किया, फिर गर्भ में तो जरूर आवेंगे। बुद्ध धर्म का एक मनुष्य ही स्थापना करेंगे, फिर और उनके बच्चे आते जाएंगे। बुद्ध को भी बाल बच्चे आदि सभी थे, फिर वृद्धि होती चलेगी,
जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं बाद में उनकी राजाई चलती है। बौद्धियों का भी राज्य था ना, जापान चीन का राजा था, बौद्धियों का बॉर्डर भी है। बाबा ने समझाया था कैसे जीत करके उन्होंने जमीन ली और क्रिश्चियन तो फिर छोड़ते गए, बाउंड्री का पता ही नहीं पड़ता है। फिर भाषा पर देखते हैं तो बाप समझाते हैं ये सभी पीछे आते हैं। उन पीछे आने वालों को गुरु व प्रीसेप्टर नहीं कहा जाता है, गुरु तो एक ही होता है। किसको कहा जाता है गुरु? गुरु होता ही है सदगति के लिए। ये धर्म पिताएं आकर कोई किसी की सदगति थोड़े ही करते हैं, अपनी ही दुर्गति होती रहती है। अपने धर्म की स्थापना करते हैं, अपनी धारणाएं बैठ सिखाते हैं, फिर नीचे आते जाते हैं। बाप ने तो आकर के सबको ऊपर भेज दिया, सबकी दुर्गति से निकाल सदगति में पहुंचा दिया। फिर मुक्ति धाम में, मुक्ति धाम में से एक एक आकर के इस सृष्टि पर जन्म लेते रहते। जैसे तुम भी जीवन मुक्ति से नीचे आते हो वैसे वो फिर मुक्ति से नीचे आते हैं, तो उनकी महिमा काहे की? वो तो सिर्फ धर्म स्थापक हैं, तुम तो धर्म की स्थापना के साथ साथ राज्य की स्थापना में भी सहयोगी बनते हो। बाकी उनको कुछ पता नहीं है। पहले बुद्ध आदि धर्म कुछ भी नहीं था, ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। और बाप ज्ञान देते भी हैं गति सदगति के लिए, बाप कोई गर्भ में नहीं आते हैं इसलिए गति सदगति करके जाते हैं। देखो इन्हें पे बैठे हैं, इनको दूसरा कोई नाम नहीं है, औरों के तो शरीर के नाम है, ये तो है ही परमपिता, उनका अपना शरीर नहीं होता है। उनकी अपनी आत्मा का नाम क्या है? शिव। वो कभी बदलता भी नहीं। ओम शांति।